तो इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। जो लोग इंटरनेट यूज़र्स हैं या आज के समय में तो सारे ही इंटरनेट यूज़र्स हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई है। अभी हाल ही में जो है जियो का एनुअल इवेंट जो हुआ था कल, उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो जिसमें से एक जो खास अनाउंसमेंट है वो है जियो का एयर फाइबर को लेकर। मैंने पहले भी वीडियो डाला था एयर फाइबर को लेकर के, तो पहले हम लोग समझ रहे थे कि जियो एयर फाइबर क्या है। इसमें आपको जो 5G नेटवर्क है जियो का, एक पोर्टेबल डिवाइस है एक तरीके से। जो जियो फाइबर है वो आपका एक पोर्टेबल डिवाइस है। जैसे हम लोग पहले जियो 5 वगैरह यूज़ करते थे तो वो 4G उस पर चलता था, 4G टेक्नोलॉजी पर चलता था। अब जो इनका जियो का एयर फाइबर है, ये आपका 5G टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। तो जिसमें आपको इनका जो ट्रू 5G नेटवर्क है उससे ये पोर्टेबल जो इनका एयर फाइबर है वो चलेगा। तो अभी जैसे कि हम लोग अपने घर में जियो फाइबर लगवाए हुए हैं, ये आपका वायर्ड वाला सिस्टम है और ये हर जगह अभी तक अवेलेबल भी नहीं हुआ है। काफ़ी सारे सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे ये भी अवेलेबल नहीं हुआ है। और लेकिन अगर आप बात करें एयरटेल जो जियो का, जो इनका 5G है, ट्रू 5G जो इनका सिग्नल है, वो नेटवर्क अभी काफ़ी जगह पहुँच चुका है। और जहाँ जहाँ अभी जियो फाइबर नहीं भी पहुँचा है, वहाँ पर भी 5G का जो ये नेटवर्क है जियो का, वो पहुँच चुका है। तो इस वजह से अब एयर फाइबर जो इन लोगों ने लॉन्च किया है, इसकी खास बात यह है कि आप 1 GBPS की स्पीड तक का डेटा इंटरनेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बिना ही वायरलेस, पूरा एकदम बिना वायर के। और इसमें खास बात ये है, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है एयर फाइबर की, कि आप एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप अपने साथ उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर जैसे राउटर में क्या होता है, हम लोग को एक्सटेंडर वगैरह लगाना पड़ता है। अगर किसी घर बहुत बड़ा है या काफ़ी मंजिलों का है, 3-4 मंजिल का घर है, तो अगर जियो फाइबर सबसे नीचे लगा है तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास एयर फाइबर है तो आप लोग उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर में जाना हो तो आप फर्स्ट फ्लोर में ले जाइए, अगर आपको सेकंड फ्लोर जाना है तो आप अपना सेकंड फ्लोर में ले लीजिए, उसको रख सकते हैं ले जाके। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन चीज़ है जो एयर फाइबर है इनका। एयर फाइबर बेसिकली क्या करता है कि ये आपका जो 5G नेटवर्क है उसी से ये स्पीड आपको देगा। तो क्योंकि जियो का जो ट्रू 5G नेटवर्क है उस पर काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है, 1 GBPS तक की स्पीड उस पर आप देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से एयर फाइबर फिलहाल ये लॉन्च होने वाला है 19 सितंबर को। डेट जो है अनाउंस हो चुकी है। अब 19 सितंबर को ही हम लोग को पता चलेगा कि इसके प्लान्स और प्राइस क्या होने वाली है, कैसे हम लोग इसको ले सकते हैं। तो 19 सितंबर का ही वेट करते हैं। और जैसे ही इसका जो 19 सितंबर को जब ये लॉन्च होगा, तो इसका जो भी नया फीचर वगैरह आएगा या जो भी प्लान्स की डिटेल है, प्राइस वगैरह की डिटेल, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जिनको जियो फाइबर लेना हो तो वो लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि कौन लोग इसका वेट कर रहे थे और कौन लोग इसके लिए रेडी हैं। फिलहाल अगर जो लोग जियो फाइबर लगवाना चाहते हैं, तो अभी वो लोग, मैं कहता हूँ उन लोग को कि थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि एक बार जब जियो का एयर फाइबर लॉन्च हो जाएगा तो, और कंपनी ने ऐसा दावा भी किया है कि वो लोग दिसंबर तक, इसी ईयर के दिसंबर तक वो पूरे ही इंडिया में कवर कर लेंगे जहाँ तक है। तो हो सकता हो एक तरीके से कि एयर फाइबर जो है जल्दी ही आपकी सिटीज़ में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि अभी तक उनके एरिया में या जो भी उनका सिटी है या एरिया है पर्टिकुलर, उसमें अभी तक जियो फाइबर नहीं आया है। क्योंकि ये वायर्ड वाला सिस्टम है, थोड़ा टाइम लेता है, पूरी वायरिंग होती है उसके बाद में ही तभी आपको लगता है। तो हो सकता हो कि अभी एयर फाइबर आ जाएगा तो वो जल्दी ही आपकी सिटीज़ में भी आ जाएगा और ईजिली आप लोग भी एक अच्छे स्पीड का मज़ा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ बस इतना ही, और कुछ खास बातें एयर फाइबर के बारे में मैं और बता दूं कि ये आपका एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जो जियो फाई की तरह ही यूज़ होता है। तो जैसे अगर आपके पास 4G फ़ोन है या नॉर्मल 3G फोन्स भी जिनके पास हैं, तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं एयर फाइबर का। और वो लोग अपने फ़ोन में, या आजकल तो TV वगैरह भी LED भी आ रही हैं जो वो 5 मतलब वाईफाई से जुड़ती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं वाईफाई से इजीली, तो उस टीवी में, लैपटॉप्स में, सारे ही डिवाइसेस में आप 5G स्पीड का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, खाली आपको रख देना है किसी भी जगह और आराम से आप अपना 5G का मज़ा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और जैसे ही जब ये लॉन्च होगा तो मैं आपको सारी ही डिटेल्स, सारा ही वीडियो इसके बारे में सब बता दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।